सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज हम और ये मक्खन के साथ हमारा शाही पनीर शाही चीज़ों के साथ बना हुआ शाही पनीर की रेसिपी बताने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो उसके लिए अब हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या रेसिपी के लिए सामग्री ली हुई है। शाही पनीर के लिए हमने लिया है पनीर और काजू, जो कि 15 काजू ये हैं जिसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, और ये किशमिश लिए हुए हैं, और ये कुछ काजू एक्स्ट्रा लिए हुए हैं जो कि हम ग्राइंड या घी ऑयल जो भी लेंगे उसके अंदर इनको तल लेंगे। और ये हमने छोटी इलायची, एक खड़े मसालों में हमने लिया है छोटी इलायची, बड़ी इलायची और 8-10 काली मिर्च, एक तेज़पत्ता, दालचीनी और 7 लौंग। हमने इसमें लहसुन, अदरक, काली और ये लाल मिर्च, धनिया, हल्दी मसाला जो कि गर्म मसाला है और जीरा, और ये हमने 2 टमाटर लिए हुए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई है, 4-5 हरी मिर्च ली हुई हैं और हरा धनिया लिया हुआ है। ये हमने इसमें पानी लिया हुआ है जो कि हम इन टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से धो लेंगे। और अब हम ये प्याज को काटेंगे। ये इसमें हमने हरी मिर्च और काजू ऐड कर लिए हैं जो इन्हें हम मिक्सी में पीस के ले आएंगे, और ये टमाटर भी काटेंगे जिन्हों के हमें मिक्सी में पीस के लेके आने हैं। ये हम टमाटर का पेस्ट और प्याज, काजू, हरी मिर्च का पेस्ट हम तैयार कर लेके आए हैं, और ये हमारा दूध, दही और ये मलाई है, फ्रेश मलाई है, और ये अब हम पनीर को काटेंगे। बिना दूध दही के शाही पनीर नहीं बनेगा। ये हम काजू के 2 हिस्से कर लेते हैं क्योंकि हमें ये घी में भूनने हैं। और अब हम ये अपनी कढ़ाई चूल्हे पे रख देते हैं। हमारा घी पक गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। बस अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देते हैं। अब हम काजू और किशमिश ऐड कर देते हैं। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आंच को थोड़ी फ्लेम, धीमे फ्लेम पे रखें। और अब इसमें प्याज, हरी मिर्च का मिश्रण, मिक्स पेस्ट, इसको हम चलाते रहेंगे नहीं तो काजू हमारे इसके अंदर चिपक जाएंगे। और अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ी 3-4 सेकंड तक चलाएंगे ताकि हमारा लहसुन और अदरक का कच्चा पेस्ट ना आए। और अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इसमें हम धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसके अंदर अब हम नमक ऐड करेंगे जो कि स्वाद अनुसार डालना है। इसको 3-4 सेकंड तक चलाएंगे।
हमारा घी मसाले के ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम दही को ऐड करेंगे और साथ में ही हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर क्रीम भी यूज कर सकते हैं। हमने को हम चलाते रहेंगे, थोड़ा इसको तेज आंच के साथ चलाएंगे। देखिए हमारा शाही पनीर का मसाला अच्छे से भुन गया है और ये देखिए पक भी गया है अच्छे से। और इसके अंदर अब हम पनीर को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से 5-6 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे, जब तक इसके अंदर मसाला अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जब तक हमारा पनीर मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है तब तक हम हरा धनिया अपना काट लेते हैं और हम गरम मसाला बाद में ऐड करेंगे। और वह हमारा धनिया काटेंगे बारीक बारीक। हरे धनिए की खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। अब हम शाही पनीर के अंदर थोड़ा पनीर मसाला ऐड करते हैं जिससे कि इसका टेस्ट और भी काफ़ी अच्छा आएगा। और इसको हम थोड़ा चलाएंगे। खड़े मसालों की खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है और हम इसके अंदर थोड़ी देर इसको चलाएंगे। उसके अंदर हम घी दूध ऐड करेंगे। हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध हमारा फट जाएगा। और आंच तेज ही रखेंगे, तेज आंच के साथ हमें ये दूध चलाना है। इसको हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे। देखिए हमारा बनके रेडी हो गया है। बस इसको धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे हरा धनिया डाल के। ये हमने दूध अच्छे से चला दिया है। देखिए हमने दूध को चलाते रहे तो ये फटा नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई भी बनाता है दूध नहीं चलाते तो फट जाता है। अब इसके अंदर हम धनिया ऐड करेंगे और इसको हल्के से मिलाएंगे और इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम इसको हटाएंगे। ये देखिए हमारा पनीर कितना अच्छा दिख रहा है और शायद काफ़ी टेस्टी भी बना होगा, ये खाने के बाद पता चलेगा। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और लाइक करने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि हमने पनीर कैसा बनाया है, शाही पनीर। ये देखिए हमारा शाही पनीर रेडी हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। और ये मक्खन के साथ हमारा शाही पनीर, शाही चीज़ों के साथ बना हुआ शाही पनीर।